हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लजीज़ कुकिंग में। आज मैं आप लोगों के लिए गुड़ की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। गुड़ की जो हम मीठी चटनी बनाते हैं, जो ज़्यादातर दही बड़ों में यूज़ होती है और हम इसे पानी टिक्की के साथ भी खा सकते हैं। गुड़ की चटनी बनाने के लिए हमने 1 किलो गुड़ ले लिया है, उसमें हम करीब आधा ग्लास पानी डालेंगे और हम इसको रख देंगे जिससे अच्छे से घुल जाए। देखो, गुड़ हमारा घुल चुका है। अब हम इसको छलनी की मदद से भगोनी में छानेंगे। गुड़ को छानने से उसमें जो भी कचड़ा होता है वो बाहर निकल आता है, तो जब भी आप चटनी बनाएं गुड़ को छलनी में ज़रूर छानें। हमने यहाँ पे गैस भी चालू कर दी है, अब हम इसे उबालेंगे। उबाल आने के बाद यहाँ पर हमने आमचूर पाउडर लिया है, ये करीब 3 से 4 चम्मच लिया है, क्योंकि हमारी गुड़ की क्वांटिटी भी ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ पे आमचूर पाउडर भी ज़्यादा लिया है। अगर आपको खट्टा ज़्यादा नहीं पसंद तो आप कम आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पर हमने करीब 3 से 4 चम्मच लिया है। ये आमचूर पाउडर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, बिल्कुल भी लम्स ना रहें इसमें। अब हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए। लाल मिर्च ऐड करने के बाद में यहाँ पर ये काला नमक है जो कि 1/2 चम्मच हमने ऐड किया है, और ये काली मिर्च पाउडर है जो कि 1/4 चम्मच है। सारी चीज़ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने कुछ छुहारे लिए हैं, छुहारे को छोटे छोटे पीसेस में काट के हमने इसमें डाला है। जैसा कि आपने देखा होगा, छुहारे के साथ में हमने यहाँ पर किशमिश भी ऐड की है। अगर आप कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ छुहारा और किशमिश ऐड की हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद, छुहारा डालने के बाद हमें थोड़ी देर इसे और उबालना है और फिर बंद कर देना है, जिससे छुहारे जो हैं वो थोड़े से मुलायम हो जाएंगे। तो लीजिए, तैयार है मीठी मीठी गुड़ की चटनी। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।